नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे हैं और अपना खुद का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, है ना। वेरी गुड। तो चलो थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। ओके, सो आपकी हिंदी की H1 नोटबुक जो है वो लेके आओ और उसमें हम लोग लिखेंगे नंबर। हमने हिंदी में कुछ नंबर्स लिखना सीख रहे हैं हम लोग। कौन से नंबर लिखे हमने हिंदी में? कम ऑन टेल मी। यस, हमने हिंदी में लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आज हम हिंदी में लिखेंगे एक और नया नंबर, वो है नंबर 8। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लिखना है नंबर 8। तो चलो बच्चों लिखते हैं हम लोग नंबर 8। देखिए, आपके ब्लू लाइन से आपको चालू करना है और इस तरह से स्लांट लाइन और यहाँ पे टर्न, ये हो गया आपका नंबर 8। फिर यहाँ पे इस तरह से एक डैश निकालिए और यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, और कितने निकालने हैं हमें? 8 निकालने हैं। मैं बॉल निकाल रही हूँ, 1, फिर ये हुआ 2, 3, आपको निकालते वक्त गिनना है 3, फिर ये 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। ओके, इस तरह से आपको 8 बॉल या कोई भी और एक ऑब्जेक्ट निकालना है। फिर ये बीच की लाइन छोड़नी है और यहाँ पे हम वापस क्या लिखेंगे? हम सीख रहे हैं हिंदी का एक नया नंबर 8, इस तरह से लिखना है। फिर एक डैश और यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर से हम निकालेंगे बॉल। ओके, आप बॉल की जगह और कुछ भी निकाल सकते हैं और गिनना है 1, 2, 3, फिर ये रहा आपका नंबर 4, फिर ये और एक बॉल 5, ये रहा 6, 7 और 8। इस तरह से हमें 8 बॉल निकालने। तो आज तक का आपने सारा होमवर्क कर लिया है क्या? सारे नंबर्स लिख लिए आपने अब तक जो मैंने नंबर्स निकाले हैं, सिखाए हैं आपको? प्लीज उनको लिखिए और आपका होमवर्क जल्दी से अपलोड कर दो ताकि मैं देख सकूंगी कि आप लोगों को लिखने आ रहा है या नहीं। कितने बॉल्स निकाले? 1, 2, 3, 4। चलो और निकालने हैं हमें। ये हो गया 5, ये हो गए 6, 7 और ये बन गया आपका 8। ओके, फिर से इस बीच के लाइन को छोड़ो। देखिए, इस तरह से हमें निकालना है नंबर 8, फिर एक डैश और यहाँ पे बॉल। और हिंदी के सारे स्वर आपने याद कर लिए क्या? हिंदी के सारे स्वर याद करो और उनको लिखने की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। 1, 2, 3, 4 और अब ये रहा आपका 5, 6, 7 और ये 8। इस तरह से आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ो और यहाँ पे वापस लिखेंगे हम लोग नंबर 8। आपको क्या करना है, 6 लाइंस आपको CW करके लिखने हैं, CW। ओके, और उसके बाद आपको लिखना है HW और बाकी का आपको HW। तो आप कुछ पहले लिखो, फिर एक ब्रेक ले लो और उसके बाद आगे के लाइंस कंटिन्यू करो। ओके, सो ये हो गया एक बॉल और ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह से आपके हिंदी के H1 नोटबुक में जल्दी से आप लिख दीजिए नंबर 8
और बाजू में कोई भी आप एक चित्र निकाल दीजिए, कितने चाहिए हमें 8। और आज आप क्या करने वाले हो, आपके घर में क्रेयॉन्स है ना, तो वो क्रेयॉन्स आपको गिनने हैं। कितने गिनोगे आप, 8 क्रेयॉन गिन के बाजू में रखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये बन गया 7 और ये बन गया 8। इसी तरह से आपको सारे लाइंस में ड्रॉ करने हैं ऑब्जेक्ट्स और नंबर भी लिखने हैं, ठीक है। और किन किन लोगों ने क्या किया है होमवर्क करते वक्त, मार्जिन लाइन के बाजू में नहीं लिखा है, सो प्लीज ऐसे मत करो, आपके मार्जिन के बाजू से स्टार्ट करो, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये बन गया आपका 8, ठीक है। इस तरह से बच्चों आज आप लिखोगे नंबर 8, हिंदी का आज एक नया नंबर आपने सीखा है जिसका है नंबर 8। ये हो गए 5, ये हो गए 6, 7 और 8। तो प्लीज आप ये होमवर्क आज कर दो, इसको आप मुझे जल्दी से इसका JPG फॉर्मेट में भेज दो और अपलोड कर दो ताकि मैं चेक कर सकूं, और आपकी कमेंट दो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।